Hi everyone, so this is Anil. I'm sure you must have seen him in a lot of movies, especially the last one was Sanju. Yep. The last one was Sanju, and he's also Sanju, Sacred Games, and Simba, Golmaal again. Okay, so you have seen him numerous films now. And of course, he's filming with us, you know, in Sher Shah with Dharma. Anil, I want to actually ask you, bachpan ki koi aisi seekh? Probably ek mom se, ek dad se, jo zehen mein chhap gayi ho, which has really helped you of who you are. आई थिंक डैड की बोली हुई बात हमेशा याद रहती है व्हेन ही सेज कुछ भी डिफ़िकल्टी अगर होती है लाइफ में सो ही ऑलवेज सेड कि सब हो जाएगा जस्ट बी हैप्पी हैव फेथ और बस अपना काम करते जाओ इवन भले पूरे शहर में कर्फ्यू लगाओ यू गो एंड ओपन योर शॉप वाह क्या बात है यू गो इन द मॉर्निंग एंड कोई आए चाहे ना आए यू जस्ट गो एंड डू योर वर्क हैव फेथ एंड या हमेशा बोलते थे कि जस्ट हो जाएगा मैंने जब से बॉम्बे आया हूँ मैंने बहुत बार आजमाया जब भी कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी हुई है जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत रुका हुआ फील कर रहा हूँ या फिर स्टक फील कर रहा हूँ कि आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही है तो मैंने पापा की हमेशा ये बात याद रखी मॉम से तो बहुत सारी आई थिंक डेली बेसिस पर बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है शी ऑलवेज सेज कि ईच एंड एवरी पर्सन इन योर लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू नेवर नो कि कब आपकी लाइफ में कौन कितना बड़ा पार्ट प्ले कर जाता है सो रिस्पेक्ट एवरी वन इरिस्पेक्टिव कि वो कौन से डिपार्टमेंट का है कितना बड़ा है या छोटा है एंड ऑल्सो मॉम हमेशा बोलती कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता हालांकि ये फिल्म में है रईस फिल्म में अम्मी जान कहती है कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता तो मेरी मॉम हमेशा कहती है कि कोई भी काम एक्चुअली बड़ा छोटा नहीं होता आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना शिद्दत से करते हो और करते करते उसको छोटे काम को कितना बड़ा बना लेते हो अनिल एक बात मैं जानना चाहता हूँ अनिल का जो आईफोन जब आप एयर ड्रॉप करते हैं तो उस पर लिखा आता है ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड कैन यू जस्ट टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट सीक्रेट बुक सबने पढ़ी हुई है बट अगर हम देखें तो हमारे पेरेंट्स हमेशा शुरू से यही बोलते रहे कि जो भी हमारे पास है आप उसको अप्रिशिएट करें एंड जितना आप अप्रिशिएट करोगे आपकी लाइफ में जो भी कुछ है वो मैग्नीफाइड होता है वो डबल ट्रिपल फॉर्म में आपके पास वापस आता है सो यू डोंट हैव टू थिंक कि ये सोच के नहीं करना ग्रैटिट्यूड कि आपके पास वो ही डबल ट्रिपल फॉर्म में आएगा यू जस्ट बी हैप्पी एंड सी अराउंड यू कि आपसे भी ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं अगर आप उनसे कंपेयर करें तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है एंड ग्रैटिट्यूड एक्चुअली आपकी मेंटली आपको नेगेटिव फॉर्म से पॉजिटिव इसमें बहुत जल्दी शिफ्ट कर देता है एंड या एवरी सिंगल डे अप्रिशिएट आपके आसपास हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है So be grateful for what you get in life. For each and everything. And God obviously then gives you an abundance. Yes, in abundance. Great, thank you so much. It was wonderful. Thank you. And thank you for sparing your beautiful time. Thank you.